संस्कृति बचाओ मंच ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मास्टर दिलीप मंडल को बर्खास्त करने और उनके जातिवाद फैलाने की घोर निंदा करते हुए कहा कि एमसीयू का कुलपति सरकार की उंगलियों पर नाचकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, दिलीप मंडल जैसे लोग ही हिंदू समाज को बांटने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के खिलाफ इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करना उचित नहीं है। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि कुलपति दीपक तिवारी शासन की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बगैर कुलपति की अनुमति के पुलिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकती। जिस निर्दयता से पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की है और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। जिस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में पुलिस की बर्बरता से 13 छात्रों के ऊपर FIR हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो बिल्कुल सरासर गलत है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और दिलीप मंडल और दीपक तिवारी जैसे लोग जो है शासन की उंगलियों पर नाचते हुए आप हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि सवर्ण समाज हो या कोई सा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या अन्य कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के खिलाफ इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी क्यों करना। आप एक पद पर रहते हुए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। प्रशासन को एक तरफा कार्रवाई न करते हुए दीपक तिवारी से हम ये निवेदन करते हैं कि वो दिलीप मंडल को जो है तत्काल बर्खास्त करे, और नहीं तो जो है छात्रों का आंदोलन अगर उग्र होगा तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, दिलीप मंडल को बर्खास्त करने के बजाय दीपक तिवारी छात्रों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और इस प्रकार वह आग में घी डालने जैसा कार्य कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने शासन से यह मांग की है कि इनमें हस्तक्षेप करके दिलीप मंडल और उनके सहयोगियों को तत्काल बर्खास्त करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।